चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे हैं। अभी तो पांचवा ही चरण हुआ है ना, अभी छठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं, हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं। अभी हमने थोड़ा सा कड़क क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया, तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके की इसे भाषा की मर्यादा को बोल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हम लोग इन पांच चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा NDA मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर अगर जाती है, तो उसमें भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। अपनी सीटें कम होता देख और NDA की अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर जो NDA अग्रसर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये पुनः उसी का दूसरा उदाहरण है जो अभी हम बोले हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं, उसी तरीके से उसका ये दूसरा उदाहरण है। धीरे धीरे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट है। अभी तो पांचवा ही चरण हुआ है ना, अभी छठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादा खो देंगे क्योंकि इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई देगी। इससे हमको क्या लेना देना, तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर है, वो जाने। अब अभी इस पर क्या टिप्पणी कर सकते, सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो है कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और जो पांचवे छठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेगा। चिराग जी को आप लोग वेस्ट पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे हैं। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे कहीं भी, पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं, और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं, और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। अरे कौन क्या बोला, हम तो देखे नहीं है अभियान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं। चलिए देखिए,
अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल अटल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था, ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए ये गारंटी किनका था, जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं, आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए 17 को सीट मिल बीजेपी ने ला रहे हैं, 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दिए। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है, डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है, सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये लोग, ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं, दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है? तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए, अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने तो वो पीछे हट गया। तो बीजेपी से कितना नज़दीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको ख़त्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पर रहिए। तो ये एक साजिश है, सिर्फ उनको ही नहीं चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है, गरीब पिछड़ा OBC SC ST का बच्चा आगे बढ़े, हमारे साथ किया, हमने क्या किया, हमने क्या उनका ले लिया? हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले, जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, अभी हमने थोड़ा सा कड़क क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये ख़त्म करना चाहता है।